नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। ग्राम बल्हारपुर के जंगल में टाइगर के हमले से 22 वर्षीय कमलेश की मौत। ग्राम बल्हारपुर खोरी के खेत में 2 जून को दोपहर लकड़ी लाने गए 22 वर्षीय कमलेश पिता राजेंद्र बिलोनी निवासी चीनी थाना परसवाड़ा व सुरेंद्र बावने विनोद मलावी व अतुल मेश्राम गए हुए थे और अचानक दोपहर को शेर ने कमलेश बिलोने के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कमलेश बिलोने बुरी तरह से घायल हो गए। घायल होने की जानकारी मृतक के जीजा सुरेंद्र बावने के द्वारा वन विभाग डायल 100 को दी गई। डायल 100 की सहायता से वन विभाग के द्वारा कमलेश बिलोने को लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ पर खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कमलेश बिलोने को मृत घोषित किया गया। वहीं मौके पर मृतक के परिजन और वन विभाग का पूरा अमला व परिजन लोग उपस्थित रहे। वहीं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र वासनिक ने बताया कि 2 जून की दोपहर को कमलेश बिलोने के ऊपर शेर ने प्रहार कर देने की जानकारी सुरेंद्र बावने व उनके साथियों के द्वारा प्राप्त हुई थी, जहां वन अमला पहुंचा और घायल कमलेश बिलोने का उपचार के दौरान मृत घोषित किया गया और उसे शासन की योजना का लाभ भी दिलवाया जाएगा। मैं भूपेंद्र वासनिक डिप्टी रेंजर हूँ, यहाँ पे मैं लालबर्रा में। जी जी, कैसा क्या घटना? हाँ, वो एक बजे फोन आया कि वहाँ भैया टिकोई के जंगल में किसी व्यक्ति को बाघ ने हमला कर दिया है। जी हाँ, तो फिर उसको क्या अपन इस फोन नंबर से लेके आया बता लो। तो फिर क्या उनको शासन की योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, शासन की योजना का लाभ मिलेगा उनको। जी जी, सर कैसा क्या घटनाक्रम? अभी घटना ज्ञात हुई है कि टाइगर के हमले से 24 साल के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ये घटना छिटार टोला बल्लारपुर के पास में हुई है। ये रहने वाला चीनी परसवाड़ा के साइड का है। अभी अपने जीजा के यहाँ आया था बल्लारपुर में, और उसी दौरान ये लकड़ी बिनने गए थे और टाइगर के द्वारा, ये 3 से 4 लोग थे, टाइगर के द्वारा इनसे हमला किया गया और ये हमले से मृत हो गया।